अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के लिए फिरनी की रेसिपी लेकर के आई हूँ। फिरनी बनाने के लिए जो हम लोगों को चीज़ें चाहिए वो मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पे मैंने इसे बनाने के लिए जो हम लोगों ने चीज़ें यहाँ पे लिया है, यहाँ पे मैंने 1 कप ऑफ राइस लिया है, बासमती राइस जो छोटे दाने वाले आता है वो मैंने लिया है, और उसे जो है दरदरा थोड़ा सा क्रश्ड आप कर लें, ग्राइंडर में डाल करके दरदरा करना है इसे। और साथ ही यहाँ पे शुगर जा रही है हमारी, अबाउट 1 कप ऑफ शुगर, 1 कप ऑफ राइस। शुगर आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा, जितना आपको मीठा पसंद है उतना आप कर लें। साथ ही इसमें मिल्क जा रहा है, इट्स फुल फैट मिल्क, अबाउट 1 लीटर, 1 लीटर का मिल्क हमारा जा रहा है। और इसमें ग्रीन कार्डमम का पाउडर हमारा जा रहा है। आप 2 से 3 सब्ज इलायची लेकर के उसी के इतना पाउडर आप कर लें। अबाउट ये 3 सब्ज इलायची को मैंने पाउडर इसका बना लिया है। साथ ही गार्निशिंग के लिए यहाँ पे मैंने पिस्ताशू लिया है, 6 to 7 पिस्ताशू इसे चॉप कर लिया मैंने रफली। और साथ ही इसमें गार्निशिंग में हमारा थ्रेड जाएगा, केसर का जो थ्रेड होता है, 4 to 5 आप ले लें उस हिसाब से। आपको दिखाती हूँ इसे नेक्स्ट प्रोसेस हम लोगों को क्या करना है। पैन को मैंने चढ़ा लिया है और इसमें हमारा जाएगा मिल्क, ये सारा मिल्क ऐड कर देंगे। मिल्क ऐड करने के बाद आप वेट कीजिएगा इसके बॉयल आने का। जब इस पे बॉयल आ जाएगा तब फिर हम लोग इसमें जो राइस आपको दिखाया था वो राइस हम लोग इसमें ऐड करेंगे। हम लोग वेट करेंगे इसके बॉयल आ जाने का, तब मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए इसमें बॉयल आ गया है और अब जो है फ्लेम मैं कम कर दे रही हूँ। इसी में जो है राइस जो मैंने आपको दिखाया था, ये राइस चला जाएगा हमारा कम्प्लीट, ये चला जाएगा। और डालते ही आप इसे जो है अच्छे से मिक्स कर लें और कंटिन्यू इसमें स्टे करते रहें स्पून को, वरना इसमें जो क्या होता है कि लम्स बनने लगता है, नहीं तो फिर नीचे ये लगने लगेगा या इसमें लम्स बन जाएगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, कंटिन्यू स्पून को हिलाते रहेंगे इसमें हम लोग और इसे मिक्स करते रहेंगे और ये कुक होता रहेगा हमारा। राइस का जो है मैंने आपको बताया 1 कप ऑफ राइस मैंने लिया था, शुगर भी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कीजिएगा। और राइस को जो है मैंने वॉश करके उसे दरदरा ग्राइंड कर लिया था। 1 लीटर ऑफ मिल्क में 1 कप मैंने इसमें डाला है और इसे हम लोग मिक्स करते रहेंगे अंटिल इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी थिक हो जाए और हमारा राइस जो है गल सा जाता है और इसकी कंसिस्टेंसी भी थोड़ी थिक हो जाती है। तब तक हम लोग इसे कुक करेंगे। ये देखें, इसे आप चाहें तो हाई फ्लेम पे कर लें, कंटिन्यू चलाते रहें, नहीं तो इसका फ्लेम आप लो कर दें और थोड़ी थोड़ी देर पर चलाते रहें। मैं इसे हाई फ्लेम पे कुक कर रही हूँ, फ़ौरन से बन जाता है और कंटिन्यू स्पून इसमें हिलाते रहेंगे। आपको दिखाती हूँ जब इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी ठीक हो जाती है तब। ये देखिए, इसमें जो आपको दिखाया था मैंने सब्ज़ इलायची का पाउडर वो चला जाएगा और इसकी कंसिस्टेंसी आप देख सकती हैं ठीक हो रही है, थोड़ा सा और ठीक होएगी तब हम लोग इसमें ऐड करेंगे शुगर। शुगर अभी नहीं ऐड किया मैंने, थोड़ी सी इसकी कंसिस्टेंसी और ठीक हो जाए, मिक्स कर लें इसे। इसकी कंसिस्टेंसी ठीक होने का वेट कर रही हूँ मैं, हो जाएगी ठीक तो फिर इसमें शुगर ऐड करेंगे हम लोग। अभी ये इतनी भी है, ये देखें इसकी कंसिस्टेंसी आप देख सकती हैं अच्छी खासी ठीक हो चुकी है। और अब इसी स्टेज पे जो है मैं शुगर ऐड कर दे रही हूँ। शुगर आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कीजिएगा, जितना आपको पसंद है उतने हिसाब से आप कीजिएगा। इस तरीके से इसे मिक्स करेंगे हम लोग और देखें साइडों पे जो ये लग रही है इसे अच्छे से इस तरीके से मिक्स करते जाइएगा, वरना यहाँ पे ये लग जाएगी और इसका टेस्ट अच्छा आता है। इस तरीके से आप करती जाइएगा और इसे मिलाती जाइएगा, जैसे रबड़ी हम लोग बनाते हैं और मिक्स करते रहते हैं उसी तरीके से इसे भी आप साइडों से ऐसे निकालेंगी और फिरनी के मिक्सर में ऐड करती जाएंगी। इसी तरीके से ये रेडी होएगा हमारा। शुगर मैंने ऐड कर दिया है और थोड़ा सा टाइम और लगेगा इसे कुक होने में। शुगर ऐड करने के बाद इसकी कंसिस्टेंसी जो होती है वो पतली हो जाती है, आप लोगों को पता ही है। फौरन से बन जाने वाली डिश है, ज़बरदस्त सी होती है। आपको दिखाती हूँ, ये हमारा अब अबाउट टू रेडी है। बस शुगर मेल्ट हो जाए इसमें और इसकी कंसिस्टेंसी जितनी मुझे चाहिए उतनी हो जाए तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ इसे। ये देखें, ये हमारा हो चुका है, शुगर भी अच्छे से इसमें मिक्स हो गई है और इसकी कंसिस्टेंसी इतनी मैं रख रही हूँ क्योंकि ये ठंडा होने के बाद हम लोग इसे सर्व करते हैं। तो ये जब ठंडा हो जाता है, इसकी फ्लेम पहले ऑफ कर दें और मैं आपको बता रही थी, ये जब ठंडा हो जाता है तब जो है इसकी कंसिस्टेंसी और ठीक हो जाती है, जम सा जाता है ये, बिल्कुल आइसक्रीम जैसे जम जाती है उस तरीके से ये जम सा जाता है।
या फिर आप कस्टर्ड का एग्जाम्पल ले लें, आइसक्रीम तो फ्रीजर में जमती है, कस्टर्ड का एग्जाम्पल ले लें, कस्टर्ड जैसे जम जाता है ना उसी तरह से ये भी जम जाता है। तो ये हमारा रेडी हो चुका है, फ्लेम ऑफ कर दिया है। अब मैं इसे आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ और इस चीज़ का जरूर ध्यान रखिएगा कि साइडों पे जो लग जाए उसे निकाल लीजिएगा और इससे जो है हम लोग अब बर्तन में डिश आउट कर लेते हैं। इस तरीके से ये सारा हमारा चला जाएगा। ये देखिए मैंने इसे डिश आउट कर दिया है इस तरीके से। सेंटर पे मैं थोड़ा सा ज़ाफ़रान लगाऊंगी। अगर पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन पे क्लिक करें, ऑल का ऑप्शन मिलेगा, बेहतर रहेगा उस पर क्लिक कर लें, सो दैट यू विल बी अपडेटेड विथ ऑल माई अपकमिंग वीडियोज। लाइक करें, शेयर करें विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। दोबारा से इंशाल्लाह मुलाकात होगी कुछ और नई लजीज रेसिपीज के साथ। टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ, दुआओं में याद रखें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।